अब एक मॉडल है हमारे पास, एक ब्लॉक है अंदर पास, एक हमने वर्क प्लेन ले लिया, एक हमने रफिंग के लिए टूल ले लिया, बीस ठीक है। जैसे हमने एक होल्डर भी बना लिया कुछ भी। अब जो टूल पाथ क्रिएट करना है तो हमने करना है मॉडल एरिया क्लियर। इससे वो क्या करेगा, वो सारा मटेरियल जो मोटा मोटा मटेरियल है वो कटिंग कर देगा। स्टेप डाउन मैंने कहा जी दोनों का, स्टेप ओवर हमने कह दिया जी 8। 1 mm हमने मटेरियल छोड़ रखा है फिनिशिंग के। ठीक है। ठीक यहाँ पे ऑफसेट ऑन किया हुआ और कैलकुलेट यहाँ पे एक चीज और करनी चाहिए, रैपिड मूव को भी कैलकुलेट कर लेना चाहिए ताकि वो ज्यादा एक्स्ट्रा ऊपर ना जाए। ओके। और फीड स्पीड तो हमारे को देनी ही है, ठीक है कैलकुलेट। यहाँ पे ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन भी है, अगर मैं इसको भी ऑन कर देता हूँ, किस लिए ये वेरिफिकेशन? मैं अगर कहीं कोलिजन होगा तो वो दिखाए। जब ओके। इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये ब्लू टिक लग जाता है, इसका मतलब इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कोलिजन नहीं है। हाँ ठीक है, व्हाइट का मतलब ओके है, ब्लू का मतलब है हमने चेक किया है, वेरीफाई किया। चेक किया, वेरीफाई किया। अब ये हो गया, अब हम सिमुलेशन देख सकते हैं, हमारे को पता पर प्रॉब्लम क्या होती है सिमुलेशन देखने में कि ये बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, ये हमारे को चला चला के दिखाएगा। जी स्टार्टिंग में हमें यकीन नहीं होता कंप्यूटर पे, पर धीरे धीरे यकीन होने लग जाता है या हमें आइडिया लग जाता है कि काम वो कैसे काम करेगा। करेगा बिल्कुल। तो कभी कभी ये टाइम कंज्यूमिंग लगने लग जाता है, यार क्या खेल रहा है। तो इसका हल क्या है, इसका हल ये है कि यहाँ पे एक स्टॉप मॉडल क्रिएट कर लो। इसके बहुत फायदे हैं, उनमें से एक फायदा ये है कि मैं इस टूल पाथ को ऐड कर सकता हूँ स्टॉक मॉडल, ओके जी। ये उठ के इधर आ गया। और इस टूल पाथ को मैं देखना चाहता हूँ शेडेड फॉर्म, और इसको मैं कैलकुलेट कर दूंगा। तो हुआ क्या, पहले मेरा मटेरियल ऐसा था, ओके। आफ्टर 1 नंबर, 1 नंबर के बाद अब वो ऐसा मतलब मुझे सिमुलेशन रन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है। हाँ मुझे डायरेक्ट वो दिखा देगा कि ऐसा आपका बिल्कुल, तैयार प्रोडक्ट ऐसा मैं लगेगा आफ्टर वेरिफिकेशन ऐसा नजर आया। आपका। एक फायदा तो ये हो गया, हम ये स्टॉक 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 मॉडल। मॉडल का फायदा समझने की कोशिश जी कर। एक फायदा ये हो गया कि खेलना नहीं पड़ा, वेरीफाई करो, ऑन करो, चला के देखो, हाँ। क्योंकि ये तो सिंपल पार्ट था, रफिंग थी,
तो जल्दी जल्दी हो गया, बिल्कुल नहीं तो 15 मिनट वेरीफाई होने में लग जाएंगे। फिर आपने गलती से सही हिला, गलती से हिला दिया बीच में, तो पंगा, इसको आप घुमा के भी देख सकते हो। ओके हाँ, उसको हम घुमा के नहीं देख सकते, जैसे मॉडल हाइड कर दूंगा तो अभी मेरे पास सिर्फ स्टॉक स्टॉक, इसको मैं प्रॉपर हर डायरेक्शन से देख सकता हूँ। हाँ, और मैं इसको, इस स्टॉक मॉडल को एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ एज ए STL फाइल, जो हमारे को ब्लॉक के लिए जरूरत होती है। ओके, अब मान लो आपने रफिंग कर ली मोटी मोटी, अब हाँ जी, जो री रफिंग करनी है उस वक्त आपका ब्लॉक जो है चोरस नहीं है, वो ऐसा है जी। तो मैंने इसको नाम रख दिया माई ब्लॉक, STL फाइल में मैंने इसको सेव कर दिया। सेव इसको कल को मैं फिर से यूज कर सकता हूँ जब मुझे फिनिशिंग टूल चलाना हो, एज एज ए ब्लॉक यूज कर सकता हूँ, एज ए ब्लॉक। ओके, अब कैसे होगा वो दिखाता हूँ। ये मेरा पार्ट था जी, मैंने कहा कि मुझे एक और ब्लॉक क्रिएट करना है एक्टिव वर्क प्लेन के हिसाब से, पर बॉक्स नहीं चाहिए मुझे, ट्रायंगल्स चाहिए। ट्रायंगल उसी को कहते हैं जो आप स्कैन कराते हो ना। हाँ जी, जो स्कैन डाटा होता है वो ट्रायंगल्स ही होते हैं बेसिकली, उसमें ऐसे ट्रायंगल ट्रायंगल बने होते हैं। अगर हम इसको दिखाओ ना, ये देखो ये ट्रायंगल बना हुआ, ये ट्रायंगल क्यों बना है, क्योंकि इसकी इक्वेशन ही ऐसे ट्रायंगल में होती है, मैश कहते हैं इसको, मैश मैश डाटा है। तो वो ट्रायंगल्स को मैं ब्राउज करा लूंगा माय ब्लॉक वाले जो मैंने अभी बनाया था जी। तो ये देखो, अब अगर मैं ब्लॉक को ऑन करता हूँ तो वो मेरा ब्लॉक ऐसा नजर पीछे दिखा रहा है, बिल्कुल। अब एक मेरे से वैसे गलती हो गई है, मुझे ब्लॉक बनाते हुए ना ग्लोबल ही करना था, ग्लोबल ट्रांसफॉर्म करना। ये देखो, अब ये उसके ऊपर ऊपर ही, उसके ऊपर ऊपर उसने ब्लॉक बना दिया वैसे। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि क्योंकि पावर मिल में ब्लॉक सबसे ताकतवर चीज है जी, क्योंकि टूल पाथ वहीं बनना है जहां ब्लॉक है, जहां ब्लॉक है बिल्कुल। तो अगर मैं एक और थोड़ा सा छोटा टूल बुल नोज का, मान लो 12 mm का बुल नोज जिसमें 0.8 का रेडियस हो कॉर्नर में, चला दिया मैंने, और ये जो वेरिफिकेशन बता रहा था ना मैं, ये तब तक नहीं होगी जब तक होल्डर नहीं दिया, होल्डर देंगे तभी वेरीफाई कर सकता हूँ मैं। ओके, क्योंकि अदरवाइज वो वेरीफाई करेगा किसको? होल्डर, होल्डर कौन सा पार्ट है जो हमारा उसके अंदर जाएगा स्पिंडल? कॉलेट, कॉलेट जो है, समझा नहीं, कॉलेट नहीं होती मशीन में, कॉलेट नहीं सर, मुझे नहीं पता कॉलेट, जिसमें टूल लगता है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, हाँ कॉलेट में चली गई। और जो शैंक है वो पार्ट हो गया जो फ्लूट हेड से आगे शुरू होता है। हाँ, मेरी बात सुनो, क्योंकि तुम भी बोलोगे मैं भी बोलूंगा तो कंफ्यूज हो जाएगी, क्योंकि ये थोड़ी सी चीज टेढ़ी है। ओके, तो ये मैंने टूल पाथ क्रिएट किया, देखो मुझे दोबारा बताना पड़ेगा, ये टूल पाथ क्रिएट किया, इस टूल पाथ को स्टॉक में डाल दिया जी, ये स्टॉक ऐसा नजर आ गया, इसको हमने एक्सपोर्ट कर दिया, एक्सपोर्ट करके ब्लॉक को हमने ट्रायंगल्स वाला ले लिया, ट्रायंगल्स में ले लिया। अब मैं इसमें री रफिंग करने की बजाय मैं मॉडल एरिया ही चला सकता हूँ, मतलब फाइन, क्योंकि वहां पे स्टॉक नहीं है तो टूल वहां नहीं जाएगा जहां पे पहले वाले ने टूल छोड़ा जी,
मैं दो नंबर टूल के साथ मॉडल एरिया ही चला सकता हूं। स्टेप डाउन कम कर देते हैं जी, स्टेप ओवर भी कम कर देते हैं, फिनिशिंग के लिए मटेरियल भी कम कर देते हैं। तो मुझे ये टेंशन नहीं है कि मेरा टूल हवा में चल रहा है, क्योंकि टूल हवा में चलने की जगह ही नहीं है, जहां मटेरियल है वहीं कटना है, वहीं वहीं चलेगा। ठीक है, तो इससे मेरे को रेस्ट मिलेगी कि टेंशन नहीं रहती। और अब मैं इस सेकंड वाले को भी स्टॉक मॉडल में ऐड कर लेता हूँ, स्टॉक मॉडल में ऐड कर लेता हूँ और इसको कैलकुलेट भी कर देता हूँ। तो सबसे पहले ऐसा था, पहला ऑपरेशन के बाद ऐसा हो गया, ये था, और थर्ड ऑपरेशन के बाद ये, और फाइन हो गया थोड़ा, ये साइडें सारी कट गई। मतलब इसका ये फायदा होगा कि हम एक मॉडल जो हमने सेव किया उसके बाद उसके ऊपर हम फाइन टूल चला सकते हैं उसी को यूज करके, जो हमने ये स्टॉक मॉडल सेव करा है, एक्सपोर्ट करा है। हाँ, और एक और फायदा ये है, ठीक है, कि जो मेरा रेस्ट मिलिंग का ऑपरेशन होता है, ओके, रेस्ट एरिया क्लीयरेंस, या मान लो मॉडल एरिया ही छोड़ो, उसको रगड़ देते हैं, मॉडल एरिया ही लेते, ओके, मॉडल एरिया में मॉडल एरिया में नहीं है, मॉडल रेस्ट एरिया क्लियर, ठीक है, उसका नाम ही मॉडल रेस्ट एरिया क्लियरेंस है ना, बाकी सारा मॉडल एरिया क्लियरेंस जैसा ही है, बस यहाँ पे रेस्ट मिलिंग ऑन हो, रेस्ट मिलिंग ऑन, ठीक है। तो इससे फायदा क्या हुआ, यहाँ पे आ गया रेस्ट। अब रेस्ट दो तरीकों से चल सकता है, एक तो जो हमने टूल पाथ बनाए हुए उसके हिसाब से चल रहा है, ठीक है, या फिर मैं स्टॉक मॉडल के हिसाब से भी चल सकता, ओके, भाई जहां जहां एक नंबर का मटेरियल बचा हुआ है और उसकी स्टेट, एक मिनट होल्ड करेंगे, एक मिनट, कोई आया बाहर, मैं बस लॉक दरवाजा खोल के आया। जो मेरा स्टॉक मॉडल है वो एक नंबर है जी, उसमें स्टेट नंबर टू जी ने जहां जहां मटेरियल छोड़ा है वहां वहां मैं एक और टूल चलाना चाहता हूँ, ठीक है, 8 mm का बॉल, ठीक है, ये 6 नंबर 6 mm का बॉल विद स्टेप ओवर 0.2, तो स्टेप डाउन 0.2 होगा, स्टेप ओवर भी हम स्टेप ओवर 1 mm दिए, स्टॉक हम ओके ना ही कर देते, ओके, चल कोई फायदा ये हुआ कि वो मुझे रेस्ट मशीन में भी काम आ रहा है जी, वो मुझे ब्लॉक बनाते हुए भी काम आ रहा है, मुझे सिमुलेशन नहीं देखनी तो भी काम आ रहा है, वो भी उसमें भी हेल्प कर रहा है। तो स्टॉक मॉडल बना लेना हमारे लिए हर तरीके से फायदे वाला, वो जो STL फाइल है उसको आप किसी और सॉफ्टवेयर में ले जाके किसी पार्ट के साथ असेंबली करके भी देख सकते हो, ओके, मुझे प्रोडक्ट बना के भी नहीं देखना, उसी STL फाइल को मैं, मान लो मैं कोई माउस बना रहा हूँ, माउस का व्हील बना रहा हूँ, तो वो STL फाइल व्हील बन जाएगी, उस व्हील को मैं कहीं पर भी असेंबली करके देख सकता हूँ सॉलिडवर्क्स में, कहीं और चेक करके, तो वो सही चलेगा कि नहीं चलेगा, बिल्कुल, तो
मैं ये स्टॉक मॉडल को फिर से कैलकुलेट कर देता हूँ। तो अब जो रेस्ट मशीनिंग हुई है वो विद द हेल्प ऑफ स्टॉक मॉडल हुई। 90% लोग जो रेस्ट मशीनिंग करते हैं वो या तो टूल के हिसाब से करते हैं या टूल पाथ के हिसाब से करते हैं। टूल पाथ, ओके, मतलब दे डोंट यूज स्टॉक मॉडल्स। हाँ, तो हम यही समझना चाह रहे हैं कि स्टॉक मॉडल से भी हम कर सकते हैं, टूल पाथ से भी कर सकते हैं, टूल से भी कर सकते हैं, लेकिन स्टॉक मॉडल से यूज करना थोड़ा बेनिफिशियल रहेगा। हाँ, मुझे अच्छा यही लगता है। ओके, तो ये हमारा काम था जिसको हम करना चाह रहे थे कि एक पेमर को ये समझ में आए कि वेरीफाई जल्दी जल्दी कैसे करना है। ठीक है, अब इसको भी ऐड करके मॉडल में डाल दिया, स्टॉक मॉडल और कैलकुलेट कर दिया। चल को तो ये हमारे को ऐसा ये बन गया। स्टॉक मॉडल की एक और खासियत दिखाता हूँ कि इसमें मैं सिर्फ रेस्ट मटेरियल देख सकता हूँ कि कहाँ कहाँ मटेरियल बचा है, जो जो एक्स्ट्रा मटेरियल बचा है। हाँ, मेरे मॉडल के हिसाब से कहाँ कहाँ बचा है। ये थोड़ा बहुत तो ये झूठ भी बोलता है, पर अगर ग्राफिक कार्ड अच्छा हो तो 90% एक्यूरेसी है। पर हमारे को ये तो समझ में आ रही है ना कि ये बॉल नोज है, तो यहाँ तो उसने काट दिया, पर यहाँ नहीं वो काट कोने में नहीं जाएगा। हाँ, कोने में नहीं जा पाएगा। तो हमारे को एक तरीके से आइडिया तो लग ही जा रहा है कि कहाँ पे मटेरियल हो सकता है। और इसमें हम ये ऐसे भी देख सकते हैं कि शो रिमूव मटेरियल के इस टूल पाथ ने क्या मटेरियल काटा, काटा वो भी आ गया, तो इतना मटेरियल काटा है उसने। ओके, तो इससे फायदा ये होता है कि जब ये ऑपरेशन था तो उसने ये मटेरियल काटा था। जी जी, तो तुम चेक कर सकते हो। अभी तो आपका तो लकड़ी का काम है, पर लोहे वाले को ये भी चेक करना होता है कि इसमें से वेस्टेज कितनी निकलेगी, कितनी निकली। बिल्कुल, क्योंकि वो भी स्क्रैप बिक जाता है, बिक जाता है उनका। तो लुधियाना में ऐसी कंपनियां भी हैं जो सिर्फ स्क्रैप के लिए काम करे जा रही है। बिल्कुल, तो कंपटीशन तोड़ देते हैं, जीरो मार्जिन पे काम करते हैं। हाँ, कि स्क्रैप में अपना, क्योंकि उनको दिख रहा है इतना सारा स्क्रैप है, इसमें से कमा लेंगे। तो वो कैलकुलेशन करने में भी हमारे को आसानी हो जाएगी, क्योंकि इसको मैं एक्सपोर्ट कर लूंगा, और एक्सपोर्ट करके इसका वेट कैलकुलेट कर लूंगा, और मुझे पता लग जाएगा कि इतना मटेरियल जो है मेरे को स्क्रैप निकली। हाँ, ये इस ऑपरेशन के लिए ये। ठीक है, डिस्प्ले ऑप्शन में शो ऑल मटेरियल कर देंगे तो ऑल आ जाए। तो अगर सर जैसे फाइनल आपने बॉल टूल चलाया था, अगर हम इसकी जगह वो टिप वाला टूल चलाते तो ये आई थिंक और भी साफ हो जाता ना, बिल्कुल स्मूथ हो जाता, कोने पे भी जो मटेरियल लग गया वो भी नहीं रहता। अपन लोहे पे आप वो टिप वाला चलाओगे तो टिप भी टूट जाएगी। अच्छा, मेटल पे, हाँ मेटल पे तो हाँ नहीं चलेगा वो। यहाँ पे एक फिनिशिंग का टूल चलाना चाहिए, अगर ये लकड़ी का है, मान लो हम थोड़ी देर के लिए मान लें ये लकड़ी का है, तो टूल चलेगा टिप वाला। तो उसमें आप दे सकते हो 6-10। और ये टेपर एंगल भी देना पड़ेगा इसका। हाँ, ओके, टूल की लेंथ दे दी, टिप लेने दे दिया, और उसके बाद लास्ट बिना स्टॉक के 0.01 में टू वे जॉइन, यानी कि जिगजैग शेप में चले। ओके,
और स्टेप ओवर भी कम करना पड़ेगा। और कैलकुलेट कर देते हैं, फिक्स डायरेक्शन है ब्लॉक। ब्लॉक से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये फिनिशिंग का उत्पाद है ना। ओके सॉरी, ये जो राष्ट्र है ना, इसमें हमने रेडियस नहीं दिया इसलिए नहीं चला। वो ठीक था, ट्रायंगल्स वाला ही ठीक था। ओके तो उसने फाइनल का टॉर बना देना। नहीं, अब हमने दोबारा से वो वाला इसी और टिपोला चला के इसी को भी तो क्लीन कर सकते थे ना यहीं से भी। मुझे ना कोई बात नहीं सुनी क्योंकि आवाज कट गई है। ओके, मैं कह रहा हूँ कि जैसे अभी आपने दोबारा से स्टॉक मॉडल लिया, इंपोर्ट किया है सॉफ्टवेयर में, तो आप मैंने हटा दिया था ना, क्योंकि अच्छा हटा दिया था मैंने। ओके 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 ठीक। तो ये सारा मटेरियल जो है कट। ओके, अभी रास्टर फिनिशिंग हम करेंगे, ये तो मैं सिर्फ आत्मा खुश करने के लिए कर। तो इस पर रास्टर लगाना चाहिए या कौन सा फिनिशिंग का लगाना चाहिए वो एक अलग मैटर। मैं तो जस्ट एक चला के दिखा रहा हूँ कि शार्प एज वाला होगा तो वो भी चला। बिल्कुल, ये हो गया है, ये हमारा पोस्ट प्रोसेस हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब यही था कि स्टॉक मॉडल के बहुत सारे फायदे हैं, उसको यूज करना है ना, और स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बना के देखनी है। जी ठीक है, तो दिक्कत है कमेंट बॉक्स में लिखना है, वीडियो पसंद आए तो लाइक।